दोस्तों हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी को लेकर हाल ही में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसे बड़े फैसले सुनाए गए हैं जो एक आम आदमी आम नागरिक को जरूर जानना चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, और नहीं भी हुई है लेकिन अगर आप 18 प्लस हैं 18 से ऊपर हैं तो भी इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। पांच नए नियम जानेंगे अपन यहां पर। देखिए दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी के शरीर या आत्मा का मालिक नहीं होता है पति जो कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करें या किसी तरह की इस तरह की घिनौनी और अननेचुरल हरकतें करें। यानी कि अगर कोई पति पत्नी के साथ अप्राकृतिक हरकतें करता है तो उस पर भी रेप का मुकदमा चलेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि वो भी सजा से बच नहीं सकता क्योंकि पत्नी के तन मन का शासक नहीं हो सकता है पति। हाल ही में कैसे ही मामले की सुनवाई करते दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के साथ बलात्कार करने वाला पति भी आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा। चाहे उनकी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी पत्नी के साथ अवांछित हरकतें नहीं कर सकता पति। कुल मिलाकर के ये कहना है कर्नाटक हाईकोर्ट का, है ना। अच्छा, अगला नया नियम देखिए दोस्तों कि पत्नी दफ्तर में बार बार फोन करके पति की पूछताछ करे तो ये एक मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। और हाल ही में एक ऐसे ही मसले पर हाई कोर्ट ने तलाक को भी मंजूर कर दिया। यानी कि बहुत बार होता ना ऐसे मामले आते हैं कि पत्नी जो है पति के ऊपर बार बार शक करती है, शंका की निगाहों से देखती है, और पति दिन में बेचारा काम पे गया, वो तो ऑफिस में जॉब कर रहा है, और इधर से पत्नी बार बार फोन करके पति को परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है कि कहां हो, क्या हुआ, अभी क्या कर रहे हो, आए नहीं, आज बहुत लेट हो गए, वगैरह वगैरह। तो हाल ही में एक ऐसे गुड़गांव का मसला था जिसमें एक पारिवारिक अदालत ने पति पत्नी के तलाक को मानसिक क्रूरता के आधार पर मंजूरी दी। इस जोड़े की शादी तो साल 1996 में हुई थी, दो बेटे भी हैं इनके, लेकिन पति की ये शिकायत है कि पत्नी ऑफिस में जाने के बाद बार बार कॉल करती है और उसके बारे में जानकारी लेती है, उसके आने जाने का समय पूछती है, इंक्वायरी करती है, मतलब बार बार शक करती है कि पति कहीं दूसरी जगह तो नहीं गया, कहीं मुझे जॉब की कह के कहीं बाहर होटल में तो नहीं घूम रहा किसी और के साथ। तो ये एक शंका नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्यार प्रेम पवित्रता और विश्वास का रिश्ता होता है, दोनों को एक दूसरे पर अटूट विश्वास होना चाहिए, राइट। तो हाईकोर्ट का कहना है कि अगर ऐसे पत्नी बार बार शंका करती है तो ये नियम पत्नी के लिए है। ऐसे मसले में पति चाहे तो इस मुद्दे पर तलाक भी ले सकता है पत्नी से, ये कहना है हाईकोर्ट का, है ना। अच्छा, अगला अपडेट नया नियम देखिए फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत कि ससुराल पक्ष के साथ सभी लेन देन वैवाहिक संबंधों से पैदा परिस्थितियों के रूप में नहीं माने जा सकते हैं, केरल हाईकोर्ट का ये कहना है। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत पति या पत्नी या दोनों द्वारा ससुराल या रिश्तेदारों के साथ प्रत्येक लेन देन को वैवाहिक संबंधों से पैदा परिस्थितियों के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसको एक उदाहरण से समझिए आप। मान लीजिए पति ने या पत्नी ने दोनों में से किसी के भी ससुराल पक्ष वालों को कोई पैसे उधार दिए। मान लीजिए आपने आपके साले साहब को पैसे उधार दिए, ठीक है ना, 5,000, 10,000, 20,000, कोई भी उदाहरण मान लीजिए आपने आपके साले साहब को पैसे उधार दिए, यानी कि आपके पत्नी के भाई को पैसे उधार दिए। अब आपके पत्नी का भाई अगर पैसे नहीं चुका रहा तो उसमें पत्नी का कोई रोल नहीं है, आप इस बात को लेकर पत्नी को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। आपके लेन देन की जगह पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके लेन देन हर परिस्थिति में आपके वैवाहिक संबंधों के बीच में आ जाए। तो ये कहना है कि केरल हाईकोर्ट का कहना है कि आप सभी तरह के लेन देन को वैवाहिक संबंधों से पैदा होने वाली परिस्थितियों के रूप में नहीं देख सकते हैं, समझ रहे हो ना। अच्छा, अगला अपडेट और नया नियम देखिए आप कि पति सुंदर नहीं है ये कहकर मायके चली गई पत्नी, तो हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना भी क्रूरता के बराबर है। बहुत बार होता ना कि मतलब पत्नी शादी के बाद साल भर या दो साल बाद पति से ये शिकायत करती है कि तुम तो सुंदर नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगी, वगैरह वगैरह। एनी एक्सक्यूज देकर पति पत्नी में से कोई भी या दोनों एक दूसरे के साथ अगर रिलेशनशिप बनाने से इनकार करते हैं तो ये भी एक तरह का टॉर्चर माना जाएगा। मतलब कि मान लीजिए अगर पत्नी ये शिकायत कर रही है कि मेरा हस्बैंड मेरा पति जो है वो सुंदर नहीं है, ठीक है ना, तो आपको ये बात जब शादी नहीं की थी उससे पहले ही ध्यान में रखनी चाहिए थी। पहली बात तो ये, ऐसा तो नहीं कि शादी करने के दो साल बाद अब आपको आपका पति अच्छा नहीं लग रहा या आप आपके पति से बोर हो गई, ऊब गई, है ना, तो ये बात गलत है। हाल ही में दोस्तों बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने से भी इनकार नहीं कर सकते हैं और इस तरह के बेहुदे वजह भी नहीं बता सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट और नया नियम देखिए आप कि पति से अलग होने पर भी पत्नी को ससुराल में रहने का हक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सास ससुर को झटका देते हुए यह फैसला सुनाया। हाल ही में पति पत्नी और ससुराल के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला को ससुर के घर में रहने का हक है, भले ही वह वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दाखिल पति की याचिका का विरोध कर रही है। बहुत बार होता ना कि पति पत्नी के बीच अगर रिश्ते ठीक नहीं चल रहे होते हैं और पति अलग जाके रहने लग गया, ऐसी सिचुएशन में पत्नी को सास ससुर उनके घर में रहने से मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, लेकिन इसमें भी एक शर्त ये आ जाती है कि पत्नी को भी अनुशासन के साथ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पत्नी भी रोज रोज चिक चिक करे या सास ससुर के साथ लड़ाई झगड़ा करे। तो ऐसे मसले पर हाल ही में आपको पता होगा हाईकोर्ट की तरफ से ये भी फैसला सुनाया था कि पति पत्नी अगर आए दिन झगड़ते लड़ते रहते हैं उनके घर में तो फिर उनके जो माता पिता है या पत्नी के जो सास ससुर है उनको उन दोनों को घर से बाहर निकालने का पूरा हक है।
अगर बेटा बहू बार बार लड़ते झगड़ते हैं, बुढ़ापे में उनको परेशान करते हैं, माथा दुखाते हैं उनका माथा पच्ची कर करके, तो ऐसे में सास ससुर को ये हक है कि वो दोनों बेटा बहू को घर से बाहर निकाल दे टिक लगा के, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ पति पत्नी हस्बैंड वाइफ को लेकर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिलेंगे। उम्मीद है कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देखी होगी आपने। जरूर हर एक शादीशुदा आदमी के साथ आप इस वीडियो को शेयर करना और आपके दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना, है ना। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और पास वाले घंटी के बटन को भी दबा देना। इससे होगा ये कि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना मैं आपके साथ ऐसी ही काम की खबरें, यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।